हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, मैं यहाँ अपने लिफ्ट से फ्रंट साइड में जो ओपन एरिया दिखता है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, सारा जो है ना डेवलपिंग एरिया है, सारा बिल्डिंग बनने का मतलब बन रहा है यहाँ पर, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी व्यू है। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह का टाइम है, मैं आजकल लेमन टी सुबह सुबह पी रही हूँ। इसमें मैंने डाला है अभी चाय पत्ती और काली मिर्च, चार ठो काली मिर्च कूट करके डाला हुआ है। इधर दूध को मतलब गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और देखिए, अब मैं इसी में नींबू डालूंगी उसके बाद छान करके। तो कुछ भी नहीं, बस काली मिर्च, चाय पत्ती और नींबू के साथ लेमन टी बहुत भी अच्छी लगती है। तो इसको मैं पी रही हूँ और ये बहुत ही हैवीनेस नहीं देता है। मैं फील कर रही हूँ कि जब दूध वाली चाय मैं पीती थी तो बहुत ज़्यादा हैवी वाला फीलिंग आता था, बहुत देर तक भूख नहीं लगती थी। और इसको पीने के बाद बहुत हल्का सा महसूस होता है। तो बादाम खाने के बाद आजकल मैं लेमन टी ही पी रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद अपना जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर यूज़ करें, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं पीती थी लेकिन बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से मैं इसी को स्टार्ट कर रही हूँ। और इधर जो है, मैं ग्रॉसरी शॉपिंग में आपके साथ शेयर किया था कि एक कढ़ाई भी हमने खरीदी थी। मेरी कढ़ाई बहुत ख़राब हुई थी, बहुत सारा कमेंट आता था कि अपनी कढ़ाई को चेंज करो। इवन मेरे हस्बैंड भी कि अपनी कढ़ाई चेंज करो, वीडियो में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो लो जी, मैंने कढ़ाई को चेंज कर लिया है और इधर आलू परवल की सब्जी बना रही हूँ। तो नई नई कढ़ाई थी तो मैंने सोचा उसमें कुछ मीठा बनाती हूँ। इसके लिए टमाटर पड़े हुए थे तो उसमें गुड़ डाल करके मैं गुड़ वाली जो है टमाटर की चटनी बना रही हूँ और उधर आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। तो इस तरह से हमारा जो है ब्रेकफास्ट बन रहा है। आज है सावित्री पूजा, तो आज मैं गई थी मार्केट और वहाँ से ना श्रृंगार का सामान वगैरह बहुत ज़्यादा तो इंडिविजुअल नहीं खरीद पाया मैंने, लेकिन 16 श्रृंगार का एक पैक मिला मुझे पूजा भंडार में, तो वही मैं उठा करके लाई हूँ। और वो चारों तरफ भाग बांधते हैं ना धागा, वही वाला मौली वगैरह लेकर के आई हूँ। और ये देखिए, मेयोनीज घर पे नहीं थी तो इसके वजह से सैंडविच वगैरह बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो ये देखिए, ये मैं सिंपल वाला सैंडविच के लिए मेयोनीज यूज़ करती हूँ। आप भी देख लीजिए, आई होप आपको भी ये हेल्प होगा। तो ये वेज मेयोनीज जो है ब्रेड पे लगा करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, इसके लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो इसको भी लिया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और ये देखिए, रात हो चुका है, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना चुकी, मैं सॉरी डिनर वगैरह बना ली हूँ। और यहाँ मैं मेहंदी भी लेकर के आई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा माँ भी बना लगा लेंगी, ज़्यादा नहीं लगाएंगी चूँकि बाबूजी के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जैसे पानी देना है, खाना देना है। वो थोड़ा सा बुजुर्ग हो चुके हैं ना इसके वजह से, तो बस फटाफट से उनको बीच में ही थोड़ा सा होता है ना सुहाग की निशानी है मेहंदी, तो इसके वजह से दोनों हाथ में उनका बीच में लगा दिया। और उसके बाद मैं भी थोड़ा सा मेहंदी लगा करके और आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, हम लोग ने इस चीज़ को भी कितने अच्छे तरीके से एंजॉय किया कि पीहू है, दादी माँ को नेल पॉलिश लगा रही है, ये मेरे दाहिने हाथ पे मेहंदी लगा रहे हैं, अंकु जो है मुझे दाहिने हाथ पे नेल पॉलिश लगा रहा है। मैंने मेहंदी लगाने के बाद ही मैं नेल पॉलिश लगा ली थी, चूँकि नेल पॉलिश सूखने के लिए भी मुझे 10-15 मिनट ना मतलब इस तरह से बैठना पड़ता है। तो कभी कभी होता है ना, उतनी फुर्सत नहीं होती कि आप नेल पॉलिश भी सुखा सके। तो इसके वजह से ना मैं मेहंदी लगाई, उसके बाद डायरेक्ट उस पर नेल पॉलिश भी लगा दिया नेल पे। तो क्या हुआ, साथ साथ के दोनों ही मेहंदी और नेल पॉलिश मेरे सूख गए। तो चलिए, आप भी इंजॉय करिए, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इसको। Thank you.
देख सकते हैं कि मैंने एक हाथ में मेहंदी और नेल पॉलिश लगा लिया था और ये दूसरे हाथ में ये जो है हेल्प कर रहे हैं मेरी मेहंदी लगाने में, क्योंकि दिक्कत होती है ना, एक सूख जाता फिर दूसरे हाथ में लगाते फिर वो सूखता, तो सबको खाना वगैरह भी देना था, इसकी वजह से ये जो है दूसरे हाथ में लगा दिए। और ये अभी गर्मी इतनी है कि फटाफट से एक घंटे में सूख गई, उसके बाद से मैं फटाफट से धो धा के अपना काम कर लिया। और ये देखिए SP भी लिख चुके हैं, तो इस तरीके से मजाक मस्ती चल रही है। और यहाँ पे देखिए ये जो है अंकू, अंकू ने कहा मैं क्या करूँ, मुझे भी कुछ काम दो ना मम्मा, मैं आपको नेल पॉलिश लगाऊंगा। तो पापा ने मेहंदी लगा दी और बेटा जो है वो मुझे देख सकते हैं आप नेल पॉलिश लगा रहा है। मम्मा मैं बहुत अच्छा तो नहीं लगा पा रहा हूँ, मतलब कोई नहीं बेटा इतना प्यार से लगा रहा है, यही मेरे लिए बहुत है। और ये देखिए दादी माँ को ये पीहू जो है नेल पॉलिश लगा रही है, तो बहुत अच्छा लगता है ना, पर्व त्यौहार में सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और बहुत एक त्यौहार ऐसा बहुत अच्छा लगता है। तो और यहाँ देखिए पीहू, पापा मुझे भी लगाइए आप, मुझे भी लगाना है। तो जो यहाँ पे है जो कि पीहू को ये मेहंदी लगा दे रहे हैं, वो जो है देखिए मेहंदी हटा ली थी 10 मिनट में ही, लेकिन अच्छी कलर आई है उसकी भी। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है नेक्स्ट डे और कल है बट सावित्री पूजा, तो इसके लिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ आज से ही। और देख सकते हैं आप हल्का सा लगाया है ताकि जल्दी से सूख जाए और खाना वगैरह मैं बना सकूं। तो और साथ साथ में नेल पॉलिश भी लगा लिया है, क्योंकि इसको ये सूखने का इंतज़ार करती रहती तो रात काफ़ी हो जाती, इसके वजह से हमने नेल पॉलिश भी लगा लिया है और हल्का सा माँ को भी लगा दिया है, जैसा आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए सुबह का जो ब्लॉग होगा, कहाँ से स्टार्ट करूँगी पता नहीं, लेकिन कल का ब्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए चल मिलते हैं फिर कल सुबह नेक्स्ट डे वट सावित्री पूजा के दिन। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी वट सावित्री पूजा टू ऑल ऑफ यू। और देख सकते हैं आप कि मैं अभी सुबह सुबह का मतलब 4:45 बज रहा है, मैं आ गई हूँ बालकनी में, सभी अंदर में सो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा उजाला नहीं है, पार्क वगैरह में लाइट जल रही है आप देख सकते हैं, तो पूरा तरह उजाला नहीं है, लेकिन मेरा काम इतना ज़्यादा है कि 2 घंटे मुझे लगेंगे तैयारी करने में, तो 7 बजे तक मैं पूजा करने चली जाऊँगी, यही मैंने सोच करके रखा हुआ है। तो इसके वजह से तो चलिए पहले फ्रेश हो जाती हूँ। तो देखिए मैं फ्रेश होकर के आ गई हूँ और हल्का सा कपड़ा ही चेंज किया, अभी नहाया नहीं है, और मैंने सोचा कि पहले मैं पूजा की तैयारी कर लूँ, उसके बाद से ना ठीक रहता है कि आप तैयार हो जाओ और सारी चीज़ों को उठा करके ले जाओ। तो मैं पूजा का जो बर्तन है उसको मैं धुल चुकी हूँ और देखिए मैं यहाँ अच्छे तरीके से मंदिर को साफ भी कर लिया है, क्लीन कर लिया है, और यहाँ का जो कपड़ा है ना उसी से मैं करती हूँ, झाड़ू यहाँ पर नहीं लगाती हूँ, चूँकि मंदिर में झाड़ू लगाना ठीक नहीं लगता, बस एक कपड़ा रखी हूँ उसी से मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर दी हूँ। उसके बाद इसको क्लीन करने के बाद मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर लूँगी, फ्रूट्स वगैरह धो करके रख लूँगी, और कैसे मैं तैयारी कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं साथ में लेकर के जाऊँगी, वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने, यहाँ पे सारा कुछ मैं क्लीन कर चुकी हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ सारा कुछ अरेंज कर रही हूँ, चूँकि बहुत सारी चीज़ें मुझे पूजा के लिए ख़रीदना नहीं पड़ा है, बस धागा बांधने के लिए मौली ख़रीदा है और मतलब श्रृंगार चढ़ाने के लिए ख़रीदा है, बाकी चीज़ें तो मैं मेरे घर पे ही अवेलेबल मैं रखती हूँ, क्योंकि डे टू डे लाइफ में मैं डेली पूजा करती हूँ, तो इसकी वजह से तो क्या क्या ज़रूरी होता है पूजा में वो भी मैं आज आपके साथ भरवली हस मतलब बहुत ही छोटे वर्ड में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वही मैं सारी चीज़ों को एक साथ अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में नहीं नॉलेज रखती हूं और उतना डिटेल से मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूं, क्योंकि कुछ चीज़ें यहां पे अवेलेबल होती हैं, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही इंसान को करना होता है। तो जो मेरे पास अवेलेबल है उसी सामग्री के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि मैं कैसे पूजा करती हूं। तो इसको प्लीज़ अदरवाइज़ ना लें कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, चूँकि मेरे पास इतना ही चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो बिल्कुल लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा फ्लावर्स वगैरह भी मैं नहीं खरीद पाई हूँ, तो इसकी वजह से बस आप बस इसको वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
आप जैसा देख पा रहे हैं कि मैं सारा कुछ एक साथ अरेंज करके रख ली हूँ, चूँकि सारा कुछ मैं कबर्ड में अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ, सारी चीज़ों को मैंने थाली में रख लिया। तो देखिए मैंने क्या क्या रखा है, ये एक लोटा ले लिया है, और ये जो अच्छत है, ये घी है, उसके बाद ये अगरबत्ती है, दो मिट्टी का दिया लिया है पेड़ के पास जलाने के लिए, और ये रोड़ी, ये चंदन, ये सिंदूर, ये कपूर है, ये माचिस, और ये देखिए थाली लिया है, वो आरती करने के लिए भी मैंने एक थाली के साथ दिया ले लिया है, क्योंकि जो पेड़ के लिए दिया जलाएंगे उसको फिर दोबारा नहीं उठाना है ना, इसकी वजह से मैं एक अलग से आरती करने के लिए थाली ली हूँ। और उधर आप डब्बा में जो देख रहे हैं वो बत्ती है, उसमें बना हुआ घी के वाला बत्ती, तो वो सारा कुछ मैं देखिए सारा कुछ अरेंज कर ली हूँ और अच्छे से इसमें समेट कर। और ये देखिए मैं रात को हल्का सा चना फूलने भी दिया था, क्योंकि सीजनेबल फ्रूट इसमें चढ़ाना होता है ना, तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैं रात को चना फूलने भी दे दी थी, तो वो फूल चुका है। और ये देखिए सारा जो है फ्रूट्स को मैं अच्छे से धो ली हूँ, तो ये देखिए लीची है, आम है, सेब, ऑरेंज और केला, तो पांच तरह के फ्रूट्स भी हैं। तो इस तरीके से सीजनेबल फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ अरेंज करके मैं रख ली हूँ। इससे क्या होगा कि आराम से मैं पूजा करने जाऊँगी ना, तो मुझे ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए सारा कुछ मैं एक साथ अरेंज करके रख दी हूँ, और इधर जो भी और बुक भी ले ली हूँ, जो बट सावित्री पूजा का कथा करने के लिए किताब होती है ना, वो लिया है, श्रृंगार करने के लिए लिया है, दो ठो थाली भी ले लिया है, चूँकि एक में आरती करूँगी, एक में सारे प्रसाद को भगवान को चढ़ाऊँगी इसके लिए। और ये देखिए यहाँ पर भी मल करके मैं नहा करके जो पूजा करेंगी माँ, उनके लिए मैं बर्तन धुल करके यहाँ पे अच्छे से अरेंज करके रख दी हूँ, ताकि उनको दिक्कत ना हो। इस तरीके से पूजा का जो तैयारी है वो हो चुका है, अब मेरा श्रृंगार का। तो ये देखिए मैंने चूड़ी, और ये देखिए मैं ये आज बांधने वाली हूँ बाल, चूँकि आपको पता है काफ़ी गर्मी है, मैं बाल खोल करके बिल्कुल नहीं रह पाऊँगी। ये है इयर रिंग्स, ये सारा मेकअप वाला सामान भी मैं इकट्ठे करके रख ली हूँ, ताकि मुझे कुछ भी ढूंढना ना पड़े, चूँकि इस गर्मी में यदि आपको कोई चीज़ ढूंढना है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है। और ये साड़ी मैं डार्क ग्रीन कलर की पहनने वाली हूँ, और ये जो ब्लाउज है आपके साथ शेयर किया था, मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया था, वही है। और इस तरीके से मैं सारा कुछ अरेंज करके रख ली हूँ, देख सकते हैं आप। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ शावर लेने, शावर लेकर के आऊँगी, फिर मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए मैं सारे कुछ को अरेंज करके एक साथ रख लिया है। तो मैं सावर लेकर के आ गई हूँ, और ये देख सकते हैं आप, ये प्राइमर है, मैं अभी मेकअप करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि फटाफट से जल्दी से तैयार होना है, 6:30 बज चुका है, आधा घंटा है मेरे पास। तो ये देखिए मैं प्राइमर लगा रही हूँ, और चूड़ी पहन लिया है, और इयर रिंग्स वगैरह भी मैंने पहन लिए हैं, हेयर अभी सूखे नहीं है, तो मैंने सोचा जब तक मैं फेस मेकअप करूँगी हल्का, तब तक हल्का ही करूँगी, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, जैसा आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो बस तैयार व्यार होकर के, और देख सकते हैं आप कि मैं आ गई हूँ पेड़ के नीचे पूजा करने के लिए, बीच में सॉरी सूट नहीं कर पाई, चूँकि बाबूजी है ना, माँ है, तो थोड़ा सा सभी बिजी हो जाते हैं ना, चूँकि उनको चलने वगैरह में दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ग्रीनरी है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हल्की हल्की हवा यहाँ पे पौधों की वजह से है, तो बहुत अच्छा लगा, आप भी इंजॉय करिए इसको। तो देखिए यहाँ माँ और मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए, अब स्टार्ट हो चुकी है हमारी पूजा। तो फ्रेंड्स चलिए अब आप भी इंजॉय करिए, और बट सावित्री पूजा क्यों मनाया जाता है इसके लिए भी मैं लास्ट ईयर वीडियो भी शेयर किया था। यहाँ देखिए बाबूजी बैठे हुए हैं, और ये देखिए साफ़ सफाई चल रही है, यहाँ पे आज भंडारा भी होने वाला है, उसके लिए खीर पूड़ी वगैरह बनाया जा रहा है, और काफ़ी भीड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था। चूँकि अमृतसर में मैं बहुत ज़्यादा बोर फील करती थी पूजा करने में, चूँकि कभी कभी तो मैं अकेले पूजा करती थी पूरे पेड़ में, और यहाँ पर इतने सारे लोगों को देख करके, और यहाँ 4-5 बट वृक्ष है, सबके नीचे जो है पूजा हो रही थी, और सभी औरतें पूजा कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स बहुत लोग आ रहे थे, बहुत लोग करके जा चुके थे, बहुत लोग कर रहे थे, और मुझे लगता है ना कि इसको तो गवर्नमेंट के तरफ से ना सभी को करने के लिए कहा जाना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट में बिल्कुल भी बट सावित्री पूजा नहीं मनाई जाती है। मुझे लगता है बट सावित्री पूजा ज़रूर मनानी चाहिए, और सभी को मनानी चाहिए, कि भगवान कभी कभी ना इंसान जो है वो इंसान से नहीं डरता, भगवान से ज़रूर डर जाता है।
तो यदि आप कोई पेड़ में एक धागा बांध देते हैं ना, तो उसे काटने के लिए उसे 100 बार सोचनी पड़ती है। लेकिन यदि आप इस तरह से छोड़ देते हैं ना, तभी तो लोग पेड़ को काट रहे हैं और क्या क्या हो रहा है धरती पे, ये आप सबको ही पता है, और उसका जो है भुक्तभोगी हम सब ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो रस्म है ना, ये जो हमारी एक धारणा है कि इसे पूजा करने से हमारे पति की लंबी आयु होती, एक धारणा नहीं है, सही है, लेकिन हम इसे, मैं झूठ लाती नहीं हूँ, इसको मैं भी मानती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा प्रकृति को प्रकोप से बचने के लिए ये पूजा की जाती है, ताकि पेड़ कटे नहीं। और जो ऑक्सीजन देने वाला जो सबसे बड़ा वृक्ष है ना, वो पीपल और बट ही है, इसीलिए इन दोनों की पूजा की जाती है, ताकि लोग इसे काट ना सके। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे प्रकृति की पूजा ज़्यादा मानती हूँ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और मेरा बात से कितने लोग सहमत है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं दोनों रूप में इसे पूजती हूँ, और आज के दिन इसीलिए पूजा मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पे बैठना भी बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों के नीचे। ये जो है बट वृक्ष जो है, ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ना बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इतना मजबूत होती है कि यदि घर के अंदर इसकी जड़ें चली जाए ना, तो वो धरती को, मतलब धरती को फाड़ सकता है, इतना ज़्यादा इसकी जो है जड़ें मजबूत होती है। तो और बहुत दूर दूर तक जाती है, इसलिए घरों के आसपास में बर, पीपड़, ये सारी चीज़ों को नहीं लगाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को हमें, मतलब नहीं कटे, इसकी तो भरपूर प्रयास करना चाहिए और हमें ज़रूर पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए, यहाँ बाबूजी बैठे हैं आप जैसा देख पा रहे हैं, और बच्चे भी यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे भी एकदम पसीना पसीना हो चुके हैं, वो हो चुका है सब, और मैं भी यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो माँ जो है वो पूजा का पानी लाने के लिए गई हुई है। इस तरीके से हम दोनों जो है पूजा करेंगे, और आप भी पूजा का आनंद लीजिए। और जब माँ गई थी ना पानी लाने के लिए, तो ये पीछे से बैठ करके एक फ़ोटो करवा रहे थे। तो देखिए, माँ आ गई हैं और हमारा जो है पूजा स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं आप कि माँ और मैं बैठ करके यहाँ पूजा कर रहे हैं। उसके बाद माँ घर आ गई थी, उसके बाद से मैं अकेले ही कथा पढ़ रही थी, आप जैसा देख पाएंगे आगे। तो चलिए, आप भी पूजा देखिए कैसे मैं, हमने पूजा मनाई है।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं हुई हूँ फ्री और अभी बज रहा है 1 और आने के बाद इनका ऑफिस जाना था आज, तो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में आलू को बॉईल करके और बस आलू की सब्जी, रोटी और दही दे दिया है मैंने, दही चीनी के साथ। और बस फ्रूट्स वगैरह सब लोग हम लोग खा लिए थे और शरबत वगैरह पीने के बाद काफ़ी गर्मी है, एकदम चिलचिलाता हुआ धूप, तो इसके वजह से हमने जो है अच्छे से शरबत वगैरह पिया, फ्रूट्स वगैरह खाया। और बस इनको ऑफिस भेजने के बाद मैं थोड़ा सा बस रेस्ट कर रही थी रूम में। तो अभी जो है बाकी का रोटी वगैरह मैंने बाबूजी को नाश्ता वगैरह दे दी थी और बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स वगैरह खाए थे, तो इसके वजह से अभी जो है मैंने रोटी बना करके सबको लंच वगैरह करवा दिया है और अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। और मैंने सोचा कि अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, चूँकि बहुत ही लंबा हो चुका है, और मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी बट सावित्री पूजा टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से पूजा को मना रहे होंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।